जेएनयू ने हमेशा से सरकार के गलत नीतियों का विरोध किया है। भाजपा को जेएनयू से खतरा है। वो मुद्दे ये हैं कि बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं। आई वुड चूज कन्हैया कुमार ओवर मनोज तिवारी। तो भाजपा ने जेएनयू पे अटैक करना शुरू किया, मुद्दों के नाम पे सिर्फ उनके पास मोदी का चेहरा है। वुमेन सिक्योरिटी का जो मुद्दा है वो प्रायोरिटी पर रहेगा। जमीनी स्तर पर बेटियों को बचाया तो नहीं जा रहा। इमेजिनेशन ऑफ इंडिया है जो कि कहीं खो गया है, मेरे लिए वो मुद्दा रहेगा। तो आपको लगता है इस देश में मुसलमानों को डर लगता है? ऑफ कोर्स डर लगता है, लिंचिंग हुई है लोगों की, लोग मरे हैं। आई थिंक ही कैन बी अ बेटर कैंडिडेट देन मनोज। पॉलिटिक्स में रिलीजन को भी एक तरीके से मिलाया जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। आपके साथ धर्म की राजनीति नहीं? जी जी, हम मैं मतलब वही खुल के बोलना चाहूँगा कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, वोट उसके मुताबिक ही देना चाहेंगे। नमस्कार, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी अभी जेएनयू कैंपस में है और हमारे पीछे जो आपको हमारे फ्रेम में जो छात्र दिख रहे हैं ये तमाम लोग जेएनयू से पढ़ने वाले हैं और जेएनयू इस देश की राजनीति में एक अपना एक अहम योगदान रखता है। और जेएनयू के जेएनयू में जब भी कोई मुद्दा होता है तो जेएनयू के छात्र, जेएनयू के तमाम लोग इस मुद्दे पर प्रखरता से अपनी बात रखते हैं और देश के अन्य हिस्से में बैठे हुए लोग जेएनयू के छात्रों को, जेएनयू के प्रशासनों को एक बारीकी से सुनते हैं और उनकी मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं। जेएनयू आए दिन लगातार विवाद में भी रहता है। जेएनयू से तमाम तरीके के मुद्दे भी उठते रहते हैं, जो सामाजिक मुद्दे हों चाहे राजनीतिक मुद्दे हों। और ऐसे में अभी ये चुनावी साल है और चुनाव में आज से चुनाव का आगाज़ भी हो चुका है, तो ऐसे में जेएनयू के छात्रों के दिलों में क्या है, क्या जेएनयू का छात्र इस बार किस मुद्दे को लेकर चुनाव करने वाला है, यही जानने के लिए, समझने के लिए उल्टा चश्मा की टीम यहाँ आई है। जरा इनसे समझने का, एक एक करके जरा इनसे बात करेंगे और जरा समझने का प्रयास करेंगे कि जेएनयू के स्टूडेंट के लिए क्या मुद्दा होने वाला है, क्या महिला सुरक्षा मुद्दा होने वाला है या फिर महंगाई और बेरोजगारी होने वाला है। एक एक करके इनसे बात करते हैं, जरा समझाने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ इनका मुद्दा है और इस बार ये लोग किस मुद्दे को लेके चुनाव में जाएंगे और किस मुद्दे को अपनी मतदान करेंगे। आप लोगों के लिए इस बार क्या चुनाव में क्या अहम मुद्दे होने वाले हैं और किस मुद्दे को देख के आप लोग इस बार वोट करने वाले हैं? मेरा एज अ स्टूडेंट मेरा यही कहना है कि बीइंग अ स्टूडेंट हमारा यही डिमांड होता है कि सबसे पहले हमारे एजुकेशन पे फंड जो होता है उसे जैसे हर साल कम किया जा रहा है, लाइब्रेरी के फंड कट किए जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत मेजर कंसर्न की बात है। इवन स्कॉलरशिप्स को हटाया जा रहा है, रिसेंटली एक मानव स्कॉलरशिप है उसको भी बंद किया गया है। तो ये सब लाइक लिटरली हमारे लिए ये कंसर्न की बात है कि जैसे एजुकेशन पे फंड और बढ़ना चाहिए तो उसके बजाय वो घटता जा रहा है। हम यही चाहते हैं कि हमारा जो हम जिस यूनिवर्सिटी में रहते हैं, जहीं किसी भी कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे सेफ्टी सिक्योर ये सब होना चाहिए, एजुकेशन का लेवल स्तर अच्छा होना चाहिए, लाइब्रेरी वेल अप टू डेट होना चाहिए। और आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, तो क्या आपके हिसाब से जेएनयू कैंपस में सुरक्षा और लाइब्रेरी नहीं है? नहीं, यहाँ पे देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी में एक जो सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, जैसे कि अगर वहाँ पे सुरक्षा ही नहीं होगा तो कोई वहाँ पे आने में अगर सुरक्षित फील नहीं करेगा तो वो वहाँ पे नहीं आ पाएगा, चाहे वो बहुजन की बात हो, दलित की बात हो या महिला की बात हो। कि अगर महिलाएं वहाँ पे सेफ नहीं फील करेंगी तो वहाँ पे क्यों आएंगी? इवन उन्हें घर से आने में उन्हें नहीं सपोर्ट मिलेगा कि वो बाहर निकल के पढ़े, क्योंकि घर से बाहर निकल के आना एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जैसे दिल्ली आकर पढ़ना, अगर बिहार और यूपी और महाराष्ट्र और केरल के दूर दराज इलाकों से, एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, खासकर महिलाओं के लिए और दलित और बहुजन छात्र के लिए। तो सेफ्टी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर जैसे रिसेंटली आप देख लीजिए BHU का जो हुआ इंसिडेंट, वहाँ पे एक महिला के साथ मतलब लाइक जोर ज़बरदस्ती की गई, इवन JNU में किया गया। आप रिसेंटली आप ये एक इंसिडेंट आप JNU के बारे में आपने सुना होगा कि यहाँ पे भी एक महिला के साथ स्टूडेंट जो है यहाँ पे उसके साथ छेड़छाड़ किया गया। और अभी रिसेंटली कल परसों की बात है ये HCU में, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की गई है। तो ये आज के डेट में बढ़ता जा रहा है, चाहे वो DU हो, HCU हो, BHU हो या अलीगढ़ हो। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो यूनिवर्सिटी स्पेस बहुत ही सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल होना चाहिए, सो डैट कि हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ पाए, अपने रिसर्च को कर पाए और हम लोग अच्छे आउटकम दे पाए। तो क्या आप लोग को यहाँ से आउटकम निकालने में दिक्कत हो रही है? आप जैसे कि आपने महिला सुरक्षा की बात करी है, तो इसका कुछ असर रहेगा आप लोग इस बार जब वोट के लिए आप जाएंगे यहाँ से? बिल्कुल तो रहेगा। किस मुद्दे को लेके आप सबसे पहले बटन दबाएंगे तो आपके दिलों में वो कौन सा मुद्दा होगा जो सबसे पहले आएगा? जैसे कि हम अगर इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन जब हम देखते हैं तो सब हमारा यही डिमांड होता है कि हमारी यूनिवर्सिटी का जो सेफ्टी और सिक्योरिटी जो नेट था, ओवरऑल फैब्रिक जो था सेकुलर फैब्रिक, वो मतलब एक तरीके से गिरता जा रहा है, वो कमज़ोर होता जाता है। तो हम वही हम कि अगर हमारा जो चुनाव में तो यही मुद्दा रहेगा कि हमारे एजुकेशन पे फंड कट जो हो रहा है। आज आप देख लीजिए लाइब्रेरी बंद
रही है, बहुत सारी लाइब्रेरियाँ वहाँ पे सब्सक्रिप्शन नहीं हो पा रहा है, आज हमारे लाइब्रेरी की किताबें और न्यूज़पेपर घट गया, तो ये बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है और इवन सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। तो हम यही चाहते हैं कि अगर ये सब चीज़ अगर जो स्टूडेंट्स को सबसे पहले इंपॉर्टेंट नंबर पहले पायदान पर होता है, तो हमारा यही कंसर्न रहेगा कि अगर आने वाले जो चुनाव में हम इसी को देख कर हम वोट करेंगे कि अगर हमारा अगर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है तो हम वोट इसके मुताबिक ही देना चाहेंगे। आपके हिसाब से इस बार क्या मुद्दा होने वाला है, आपके लिए कौन से ऐसे अहम बिंदु होंगे, कौन से अहम मुद्दे होंगे जिसको लेके आप चाहेंगे कि हम इस बार लोकतंत्र में अपना मत दें? देखिए, ऐसे देश में देखेंगे तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक स्टूडेंट होने के नाते, युवा होने के नाते मेरा जो मुद्दा रहेगा जिस पे मैं वोट देना चाहूँगा या मैं लोगों को कहूँगा कि इन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट दें, खासकर जो युवा हैं। कौन से मुद्दे होंगे? वो मुद्दे ये हैं कि बेरोज़गारी के जो मुद्दे हैं, जो हम देख रहे हैं कि लगातार कैसे पिछले 10 साल से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उन पे कैसे हमले किए जा रहे हैं। वो हमले इस तरीके से हो रहे हैं कि फंड काटे जा रहे हैं, भर्तियाँ जो हो रही हैं वो इस तरीके से भर्तियाँ हो रही हैं कि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लोगों को भरा जा रहा है। वो आइडियोलॉजी की बात आप कर रहे हैं? वो आइडियोलॉजी जो संघ से आती है, ऐसे आइडियोलॉजी के लोगों को भरा जा रहा है जो उस लायक है नहीं कि उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाए, उन्हें प्रोफेसर बनाया जाए या उन्हें अलग अलग जैसे PhD में एडमिशन उनको दिया जा रहा है। तो आपका इस बार का मुद्दा होगा आइडियोलॉजी? और मुद्दा हमारा है कि शिक्षा की जो स्तर खराब की जा रही है, मुद्दा वो है जो युवाओं के साथ जो हो रहा है बेरोज़गारी का मुद्दा, उनको जैसे अभी रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में ये देखा गया कि हमारे देश में जितने बेरोज़गार हैं उसमें 85% जो हैं वो युवा हैं, ऐसा युवा जो ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है लेकिन खाली जगह होने के बावजूद भी उनको भर्ती नहीं किया जा रहा। हम देख रहे हैं कि जितने गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उसमें कितनी पोजीशन जो है अभी भी खाली पड़ी है लेकिन फिर भी उसमें भर्ती नहीं की जा रही है, उसमें लोगों को नहीं भरा जा रहा है और वो बेरोज़गार जो हैं वो घूम रहे हैं सड़कों पे। तो आपके लिए बेरोज़गारी सबसे अहम मुद्दा होने वाला है मान लिया जाए? बिल्कुल। अच्छा, एक थोड़ा अलग हटके, हम आप JNU कैंपस में हैं तो JNU की जब बात हो रही है तो हमको लगा कि इस मुद्दे पर भी एक सवाल बनता है। JNU से आपके पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं कन्हैया कुमार, जिसको लेके अब राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी तेज़ है कि उनको कांग्रेस के द्वारा मैदान में उतारा गया है दिल्ली से। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ऐसे में JNU के जो छात्र हैं वो कन्हैया कुमार को लेके क्या सोच रहे हैं और कन्हैया कुमार को लेके आपकी क्या भूमिका है, क्या लगता है कि कन्हैया कुमार इस पर दिल्ली में जब मनोज तिवारी के खिलाफ उतरेंगे मैदान में तो एक बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे या फिर मनोज तिवारी को टक्कर देंगे या फिर नहीं दे पाएंगे? देखिए, कन्हैया कुमार JNU के अध्यक्ष रहे हैं जी, यहाँ के लोगों ने उनको चुना था तो यहाँ के लोग कन्हैया कुमार को एज ए लीडर पसंद करते हैं, ये तो पहले से क्लियर है। रही बात अभी जो चुनाव में उन्हें उतारा गया है मनोज तिवारी के सामने, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि फिर हम कंपेयर करना चाहते हैं जी। कि दोनों लीडर्स को जब अगर हम सामने बैठाते हैं तो दोनों लीडर्स में कंपैरिजन जब स्टार्ट करते हैं तब हम देख पाते हैं कि कैसे मनोज तिवारी जो हैं वो, मगर जैसे देखिए हमारा मुद्दा ये भी है कि महिला सुरक्षा वाला मुद्दा, हम मनोज तिवारी की अगर हिस्ट्री देखें जी। तो वो एक सिंगर रहे थे और किस तरीके के वो गाने बनाते थे, क्या करते थे, और उस चीज़ को हम देख रहे हैं। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि जब हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि पिछले 10 साल से वो वहाँ सांसद हैं तो उन्होंने उस 10 साल में क्या विकास किया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कन्हैया कुमार जो हैं वो कितने वोकल लीडर हैं, पढ़े लिखे हैं, PhD उन्होंने JNU से किया है और क्योंकि वो JNU के अध्यक्ष रहे हैं और छात्रों के मुद्दों को, देश के मुद्दों को, विदेश के मुद्दों को हमेशा उठाते रहे हैं उसके खिलाफ, यहाँ तक कि इन बातों को उठाने में, सरकार के खिलाफ लड़ने में उन्हें जेल भी भेजा गया, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। उन्हें इसलिए बदनाम करने की कोशिश की गई क्योंकि वो छात्रों के लिए लड़ रहे थे कैंपस में, JNU के लिए वो लड़ रहे थे। तो मतलब आपका कहने का कन्हैया कुमार वाला जो पूरा घटनाक्रम था वो सिर्फ एक कन्हैया कुमार पे एक बदनामी, एक दाग का धब्बा लगाने का एक तरीका था, उसका ज़मीनी स्तर पे और JNU के कैंपस में उसका कोई वजूद नहीं था। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि वो कन्हैया कुमार को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, वो हुआ ये था कि वो JNU पे जो लगातार अटैक्स, एक सरकार को दिख रहा था कि JNU एक ऐसा स्पेस है, JNU में एक ऐसा माहौल है कि ये सरकार की किसी भी
गलत नीतियों के खिलाफ ये मुखर होके जेएनयू बोल रहा है और उस अभी भी बोलता है और ये शुरू से बोलता आ रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की अभी सरकार हो। जेएनयू ने हमेशा से सरकार के गलत नीतियों का विरोध किया है, उस समय भी गलत नीतियों का विरोध कर रहा था। भाजपा को जेएनयू से खतरा है तो भाजपा ने जेएनयू पे अटैक करना शुरू किया। जब अटैक करना शुरू किया तो उस समय जेएनयूएसयू के अध्यक्ष कन्हैया कुमार थे, तो शुरुआत कन्हैया कुमार से किया गया। कन्हैया कुमार पे गलत इल्ज़ाम लगाए गए जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने बिल्कुल कह दिया कि कन्हैया कुमार पे जो भी इल्ज़ाम लगाए गए थे वो बिल्कुल बेबुनियाद थे, सरकार के खिलाफ, छात्रों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, या वैसे व्यक्ति जो 10 साल से तो वहाँ के सांसद हैं लेकिन वो पहले क्या करते थे, किस तरीके के गाने लगाते थे, किस तरीके से, जैसे ये भी हम देखते हैं कि मनोज तिवारी से अगर पूछा जाता है कि मुद्दे क्या हैं तो मुद्दों के नाम पे सिर्फ उनके पास मोदी का चेहरा है कि मोदी जी जो कहेंगे हम उस मुद्दों पे लड़ लेंगे। उनके पास खुद का मुद्दा नहीं है कि वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोगों को क्या ऑफ़र कर रहे हैं, उनके लिए क्या प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो जनता ये तय कर लेगी, जनता ने तय कर लिया होगा कि उसे कन्हैया को चुनना है या मनोज तिवारी को चुनना है। आपके लिए इस बार लोकतंत्र का इतना बड़ा महापर्व है, इसमें क्या मुद्दे होने वाले हैं? खासतौर पर आप महिलाएं हैं और आप जेएनयू कैंपस में हैं, जैसा कि उन्होंने आपके साथी ने इससे पहले कहा था कि जेएनयू कैंपस में महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। जेएनयू के छात्रों के लिए महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा होगा और ये एक बेहतर रोल प्ले करेगा, तो आपके हिसाब से क्या होने वाला? एज अ वुमेन ऑब्वियसली कि वुमेन सिक्योरिटी का जो मुद्दा है वो प्रायोरिटी पर रहेगा, क्योंकि अगर जेएनयू में भी देखा जाए तो जो 31 मार्च को जो घटना हुई थी रात को, उसके बाद क्या घटना थी पहले हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। 31 मार्च को जब मैं और मेरा दोस्त जब रिंग रोड पर घूम रहे थे तो चार लोग गाड़ी में आके पहले तीन बार बहुत डेरोगेटरी कमेंट्स पास करके जाते हैं और चौथी बार जब हम गार्ड के पास चले जाते हैं तो गार्ड के सामने 5-6 गार्ड मौजूद रहते हैं, तो गार्ड के सामने ही वो लोग हमें गालियाँ देते हैं और फिर उसके बाद थ्रेटन करते हैं कि अकेले में मिलना तो बताएंगे। और ये सब होने के बावजूद गार्ड उन्हें इजीली जाने देते हैं और मेरे से मेरे आईडी कार्ड का फ़ोटो ले लेते हैं, मेरे से मेरे हॉस्टल का नाम पूछा जाता है, मेरा रूम नंबर पूछा जाता है और साथ ही साथ में मेरा फ़ोन नंबर भी मतलब लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ होने के बावजूद जब हम सुबह CSO ऑफिस जाते हैं तो फिर उसके बाद हमारी कंप्लेन लेने में भी जब हम 9 बजे CSO ऑफिस जाते हैं यूनियन के साथ और साथ ही साथ में और भी लोग रहते हैं मेरे दोस्त वगैरह, तो 9 बजे हम CSO ऑफिस जाते हैं और 4 बजे चीफ डॉक्टर हमारी कंप्लेन लेता है, मतलब हमारी कंप्लेन लेने में भी 7 घंटे लगाए गए। और जो चारों लोग हैं वो ABP से एफिलेटेड हैं और ये भी है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उधर भी वही लोग बैठे हुए हैं, तो किस तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है। तो इलेक्शन में ऑब्वियसली यही मुद्दा रहेगा कि आप किस तरीके से कि फ्री एंड फेयर, मतलब ऑब्वियसली वुमेन की सिक्योरिटी रहेगी तभी रह पाएगी जब जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो गवर्नमेंट भी है वो जो कल्पिट्स हैं उन्हें बचाने की कोशिश ना करी जाए। के हिसाब से आप एक महिला होने के नाते आपके लिए इस बार एक महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा रहेगा इस बार? हाँ वो रहेगा, मतलब महिला सुरक्षा मुद्दा रहेगा क्योंकि एक चीज़ हमको जरा ये भी बताइए, आप जब महिला हैं आपके लिए तमाम तरीके की योजनाएँ की बात होती है, सरकार केंद्र सरकार कहती है कि इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे भी दिए जाते हैं और तमाम तरीके की योजना कुछ भी होता है कहा जाता है ये नारी सुरक्षा के लिए है, नारियों के विकास के लिए है, नारी को घूंघट प्रथा में रखा गया उससे हम आज़ादी दिलाने की बात कर, तमाम तरीके की बात कहे जाते हैं, तो क्या ये सिर्फ एक जुमला है या फिर इसका ज़मीनी स्तर पर आपको लगता है कि कुछ काम हो रहा है इस पर? ज़मीनी स्तर पर बेटियों को बचाया तो नहीं जा रहा, क्योंकि अगर JNU में भी हम रेशियो देखें तो पहले 50% से ज़्यादा लड़कियां हुआ करती थी यहाँ पे, लेकिन अगर हम अब देखें तो काफ़ी जो परसेंटेज है वुमेन का वो यहाँ पे काफ़ी घट गया है, तो बचा तो नहीं रहे बेटियों को, वरना अगर बचाते तो यहाँ पे इतना मतलब रेशियो इतना कम नहीं होता, अगर पढ़ा भी रहे होते तो यहाँ पर इतना रेशियो कम नहीं होता। और बचाएंगे कैसे आप, मतलब ऐसे कि VC आपको थ्रेटन करके जा रही है, मतलब VC मेरे को थ्रेटन करके गई थी जब मैंने अपना मतलब मुद्दा रखा था और 13 दिन तक जब हम नॉर्थ गेट को ब्लॉक करके बैठे हुए थे कि यहाँ से उठोगी तब बताएंगे ये सारी चीज़ें, और प्रॉक्टर्स बोले कि आपको छुआ नहीं गया तो सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं है, तो ऐसे तो नहीं बचाया जाएगा। और अगर ऐसा माहौल बना के रखेंगे तो बेटियाँ पढ़ने भी नहीं आएंगी। अब आप BHU में देखिए, MU में देखिए कि कितना कम है रेशियो वुमेन का, तो अगर ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे आप तो मतलब वहाँ पर कल्पिट्स को ही बचाया जा रहा है,
तो लड़कियां तो नहीं आएंगी पढ़ने, क्योंकि भेजा ही नहीं जाएगा। और अगर एक और चीज़ देखी जाए, इसका लाइव एग्जांपल था कि जब हम लोग गेट पर बैठे हुए थे तो मेरे जो जूनियर्स हैं जो बीए फर्स्ट ईयर में हैं, तो वो लोग इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि आप बाहर नहीं निकल पाओगे। अच्छा, एक सवाल हम इससे, अब जेएनयू में हैं तो जेएनयू में जैसा कि आपके साथी रहे होंगे कन्हैया कुमार, आपके साथी रहे होंगे या फिर आपसे सीनियर रहे होंगे, लेकिन वो जेएनयू से ही थे इतना तो पता होगा। हाँ, जेएनयू से। तो इस बार उनको कांग्रेस के द्वारा चुनावी रण में उतारा गया है, आप कन्हैया कुमार को लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि कन्हैया कुमार को लेकर देश के अंदर दो प्रकार की छवि नैरेटिव सेट किया गया, लेकिन युवा और ख़ासतौर पे महिलाएं कन्हैया कुमार के उस नैरेटिव को किस तरीके से देखती है, और जब जो चुनाव में गए हैं तो मनोज तिवारी को कितना टक्कर दे पाएंगे, इस पर आपकी क्या भूमिका? जब कन्हैया कुमार थे तब मैं कैंपस में नहीं थी, और अभी जब मैं देखती हूँ प्रेसिडेंट वगैरह को या एससीयू को, तो मुझे वो ऐसा नहीं लगता कि वो लोग सच्ची में आवाज़ उठा रहे हैं स्टूडेंट्स की। तो उस टाइम का मैं कुछ बोल नहीं सकती, जो मेरे पास अभी अगर लाइव एग्जांपल है तो वो यही है कि जो स्टूडेंट यूनियन प्रेजेंट में है, और जो स्टूडेंट यूनियन में जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो भी है, वो मुद्दा, अगर मैं अपना मुद्दा देखूं या और भी मुद्दे देखूं, सिर्फ नारे लगाने से ये नहीं होता कि आप आवाज़ उठा रहे हो या आप उस चीज़ को चेंज करना चाह रहे हो। तो अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि जेएनयू में जो अध्यक्ष बन रहा है वो सही में आवाज़ उठा रहा है, वो सही में छात्रों के लिए लड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें आगे जाके अपना पॉलिटिक्स करना है। तो वही अगर मैं देखूँ कन्हैया कुमार का भी, मुझे वही लगा, मतलब अगर, क्योंकि आगे जाके वो भी अपना पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं, मतलब कुछ अगर रियल मुद्दों पर लड़े होते तो शायद चेंज नहीं करते। पार्टी क्यों चेंज की उन्होंने? मेन मुद्दा आपके लिए ये भी है कि उन्होंने पार्टी क्यों चेंज? नहीं, मेन मुद्दा मेरे लिए ये नहीं है, मेन मुद्दा मेरे लिए महिला सुरक्षा वो है। लेकिन अगर आपने कन्हैया कुमार का एग्जांपल, मतलब कन्हैया कुमार के बारे में आपने पूछा, तो मेन ये है कि अगर मैं उस टाइम पर नहीं थी तो कुछ नहीं बोल सकती कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो इधर के अध्यक्ष कुछ खास ऐसा नहीं कर रहे। मेरे लिए मेन मुद्दा जो है वो एक जो इमेजिनेशन ऑफ इंडिया जिसके साथ मैं बड़ी हुई थी वो होगा, क्योंकि जो भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो विमेन्स सेफ्टी से रिलेटेड हो या और भी बहुत कुछ, जो यूथ का परसेप्शन और टेंडेंसीज बदल रही हैं, ये आइसोलेशन में नहीं हो रहा है, कुछ बदल रहा है देश में। इस वजह से हम और इनसिक्योर फील कर रहे हैं, रैदर दैन कि हम एक बेटर वर्ल्ड का इमेजिनेशन कर पाए, हम फिर से वही लड़ाई लड़ रहे हैं। 2017 में जब BHU की विमेन्स प्रोटेस्ट हुई थी तब मैं वहाँ पे थी, और ये सेम चीज़ अब मैं इतने साल बाद यहाँ फिर से देख रही हूँ कि फिर से वही लड़ाई शुरुआत से लड़ी जा रही है। और इतना वक्त नहीं लगना चाहिए इस लड़ाई को फिर से लड़ने में, हमें आगे बढ़ना चाहिए जो हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऑफकोर्स वो जो इमेजिनेशन ऑफ इंडिया है जो कि कहीं खो गया है, मेरे लिए वो मुद्दा रहेगा, वो मुद्दा रहेगा। और महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि सरकार के द्वारा कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ऐसे तमाम ऐसे नारे हैं जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? और ज़मीनी स्तर पे आपको क्या लगता है, इस नारे पे कुछ काम हुआ है या फिर इस पे भी बहुत कुछ होना बाकी? ये इतना लीनियर नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि एक सर्फेस लेवल पर एक रेटोरिक चल रहा है कि बेटी बचाओ, मिशन शक्ति, सेफ सिटी, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे अंदर आप कुछ एक अलग आइडियोलॉजिकल और एक सोशल फैब्रिक के तहत कुछ और चल रहा है, कुछ और चीज़ें लोगों के दिमाग में प्रोपगेट की जा रही हैं, या फिर उनके दिमाग में जो चीज़ें थी जो शायद बदल रही थी उन्हें वापस से वो पीछे आ रहे हैं। और ऊपर आप एज अ पैटर्नल स्टेट की तरह इंटरवीन करें कि हम प्रोटेक्ट करते हैं, हम एम्पावर करते हैं, उसी समय एक अदराइजेशन भी हो रहा है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के मर्दों का, उनको लेकर जब हम देखते हैं कि सेक्सुअल वायलेंस की बातें होती हैं मीडिया में, तो वो मुद्दा उस औरत की सेफ्टी को छोड़ के कुछ और बन जाता है। सो ऑफकोर्स वो एक रेटोरिक और जो सोशल फैब्रिक में जो बदलाव किए जा रहे हैं, जो शायद कहीं ना कहीं सबके दिमाग में था लेकिन कहीं छुपा हुआ था और बदल भी रहा था, वो वापस से उसको एनकरेज किया जा रहा है। वो जो डिफरेंस है और वो जो अदराइजेशन की फीलिंग है उसे बहुत ही सॉलिडम किया जाए। सो ऑफकोर्स ये ऊपर के रेटोरिक्स काम नहीं करेंगे जब तक आप ज़मीन पे वही सब चीज़ें उनको वापस से निकालोगे, उन उसको वाटर करोगे कि हाँ हम तो डिफरेंट हैं और हमारी औरतें उनकी औरतें। सो इससे बचना चाहिए। मनोज तिवारी को पहचानती हैं? वो भारतीय जनता पार्टी से साथ पहचानती हूँ, एंड आई वुड नॉट लाइक टू हैव अ लीडर लाइक दैट, जो जिनकी हिस्ट्री रही है
विमेन को ऑब्जेक्टिफाई करने की. सो अगर आप बोल रहे हैं कि बेटर कैंडिडेट कौन है, तो मैं उस एरिया की वोटर तो नहीं हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स आई वुड चूज कन्हैया कुमार ओवर मनोज तिवारी. मतलब मनोज तिवारी का जो पुराने वाले गाने हैं, उस वजह से आप लोगों को दिक्कत है मनोज तिवारी में? सिर्फ गाने नहीं, एक पर्सन जो होता है, कई बार सिंबल होता है. तो वो एक सिंबल है, एंड मतलब वो एक पेट्रियार्कल सिंबल है, एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन के सिंबल हैं. सो हाँ, ये चीज़ें हैं. और आई डोंट थिंक सो ही इज़, आई हैव नॉट सीन कि ही हैज़ ट्राइड टू चेंज दैट परसेप्शन ऑफ हिमसेल्फ. सो मेरे लिए पहला चीज़ जो होगा टू प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया, क्योंकि मतलब हो रहा है ना कि जैसे एक वन रिलीजन और वो वाली टाइप की बातें हो रही हैं कि हर जगह एक ही टाइप की वैल्यूज़, एक टाइप का धर्म, वन लैंग्वेज, वो सब नहीं होना चाहिए. मैं वोट करूँगा तो मैं चाहता हूँ जैसे इंडिया एक डाइवर्स है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट कल्चर है, सबको इक्वल स्पेस मिले. मैं मुस्लिम हूँ अगर, या मैं किसी और धर्म से हूँ, तो मुझे डर नहीं लगना चाहिए. तो आपको लगता है इस देश में मुसलमानों को डर लगता है? ऑफ कोर्स डर लगता है, लिंचिंग हुई है लोगों की, लोग मरे हैं, डरना क्या, लोग तो मर रहे हैं. हम कितना इंसिडेंट हम सुनते हैं बहुत पहले से, यूपी में स्पेशली काफ़ी कुछ सुनाई देता है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए. तो मैं जब वोट कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो बहुत मायने रखेगा, सबसे प्राइमरी चीज़ होगा वो. तो JNU में आप छात्र हैं, और JNU के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष थे कन्हैया कुमार, उनको इस बार कांग्रेस के द्वारा मैदान में उतारा गया है. सांसद हैं मनोज तिवारी, उनके खिलाफ. मनोज तिवारी किसी परिचय के मोहताज नहीं है. आपको क्या लगता है, कन्हैया कुमार एक बेहतर कैंडिडेट का रोल प्ले कर पाएंगे, या फिर मनोज तिवारी के सामने वो नहीं टिक पाएंगे? आपका क्या ओपिनियन है इस मुद्दे पे? एक्चुअली ये होगा परसेप्शन की लड़ाई, क्योंकि कन्हैया कुमार को वैसे भी मीडिया ने बहुत गलत वे में फ्रेम किया है. हम जानते हैं कि पुलिस ने चार्जशीट भी नहीं फाइल किया, मतलब कोई एविडेंस नहीं है, और गलत तरीके से फ्रेम किया गया. लेकिन आम आदमी तक ये बात पहुंचाना शायद कांग्रेस के लिए भी और कन्हैया कुमार के खुद के लिए भी एक चैलेंज होगा. अगर वो चीज़ कर पाते हैं तो एक डेमोक्रेटिक स्पेस है JNU, यहाँ के वो लीडर रह चुके हैं JNU SU के. यहाँ जो इलेक्शन होता है वो आप धन बल से नहीं करते, बाहुबल से नहीं करते. यहाँ हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है, उसमें बंदे ने बोला और उसके बाद लोगों ने सुन के उसको वोट दिया. तो अगर वो ये चीज़ अपने कंस्टिट्यूएंसी में कर पाते हैं तो आई थिंक ही कैन बी अ बेटर कैंडिडेट देन मनोज. आप इस बात को मानते हैं कि कन्हैया कुमार की छवि को जिस तरीके से मीडिया हो चाहे और लोग हों, वो उनका वो छवि नहीं था जो छवि अभी जनता के बीच बन गया है? जनता एक्चुअली क्या करते हैं, जैसे जो भी इमेज परसेप्शन होता है, जैसे हम ही लोग जैसे इस पर बातें कर रहे हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, एक बहुत बड़ा रोल होता है मीडिया का, कि मीडिया कैसे जो है क्रिएट कर रहा है एक इमेज. तो वो एक इमेज क्रिएशन हुआ है. और जैसे हम ही जाते हैं, अब हम जब बोलते हैं हम JNU से हैं, तो पहला चीज़ लोग पूछते हैं अच्छा कन्हैया कुमार उसको जानते हो? आप पे वामपंथी का एक टैग लगता होगा सबसे. हाँ, एक वामपंथी का टैग लगना होता है. और फिर उसके बाद आपकी, मैं आपको बता दूं कि कल इस वामपंथी वाले बयान को लेके कल JNU के कुलपति के द्वारा एक बयान दिया गया कि JNU के कोई भी छात्र, JNU में पढ़ने वाले छात्र कभी भी टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक नहीं हो सकते हैं. वो सिर्फ अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, वो अपने विचारधारा से भले ही अलग हो सकते हैं, ना कि आप उनको टुकड़े टुकड़े गैंग का. एक टैग आपके कल कुलपति का ये बयान. ठीक. हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि जब एक मीडिया का कैप्चर हो चुका है, मतलब बहुत कम ऐसे फ्री मीडिया बचा है, कुछ डिजिटल मीडिया है और कुछ प्रिंट में एक दो लोग हैं, एक दो मतलब इन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो एक चैलेंज है इस पर. मतलब वो चैलेंज है कि नहीं कुमार, वो एक चैलेंज है. उस मनोज तिवारी को किस प्रकार से देख? मनोज तिवारी मतलब चूंकि अगर मैं इंडिविजुअली, एक तो जैसे अभी आदित्य ने बताया कि गाना वाना जो एक वो एक कल्चर जो है कि मतलब उस कल्चर को बढ़ावा देना जहां आप ऐसे सॉन्ग्स वल्गर हैं, ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है वुमेन्स का, वो तो है ही. प्लस आप उस आइडियोलॉजी से भी बिलोंग कर रहे हैं जो कि एक एक्सक्लूशनरी आइडियोलॉजी है, जहां आप अदराइजेशन कर रहे हो, एक कम्युनिटी की बात हो रही है, तो उस हिसाब से शायद मैं उन्हें ना सपोर्ट करूं अगर मैं वहां से होता तो. कन्हैया कुमार बनाम मनोज तिवारी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप JNU से भी हैं, और कितना फ़र्क पड़ेगा इसका, क्योंकि आपके पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक बात है कि अगर नॉर्थ ईस्ट सीट दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट सीट की जो दिल्ली की जो जनता है वो काफ़ी समझदार है और काफ़ी पढ़ी लिखी भी है. दिल्ली है, यहाँ पे लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ पे जो कन्हैया कुमार हैं हमारे पढ़े लिखे, मतलब लाइक एक तरह से काफ़ी वेल अवेयर्ड हैं कैंडिडेट, और वो मुझे लगता है कि जो युवाओं की बात है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और आगे उनके लिए काम भी कर सकते हैं.
और जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आप जैसे दिल्ली में देख रहे हैं कि आज के डेट में युवाओं की जो अनएम्प्लॉयमेंट का बात है या जो भी वहाँ पे एजुकेशन को लेकर है, जो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी वहाँ पे स्कूल और कॉलेज और लाइब्रेरी ये सब का जो सेटअप का बात है, तो हमारे कन्हैया अगर वहाँ पर जीत के जाते हैं तो एक तरीके से जो जे एन यू से अगर वो पढ़ के आगे वहाँ जाते हैं तो एक बहुत अच्छा एक माहौल वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और बाकी अगर दूसरे कैंडिडेट के बारे में मैं कुछ तो नहीं कहूँगा, बट वही है कि अगर जो आज के डेट में हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स में रिलीजन को भी एक तरीके से मिलाया जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। आपके साथ धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी जी, हम मैं मतलब वही खुल के बोलना चाहूँगा कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धर्म अलग जगह अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह होना चाहिए। धर्म अपनी जगह होनी चाहिए और राजनीति अपनी जगह होनी चाहिए। खैर, आप लोग इस पूरे बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट में बताइएगा, और कन्हैया कुमार बनाम मनोज तिवारी आपकी इस पे क्या राय है वो भी हमें बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबर देखते रहिए उल्टा चश्मा। धन्यवाद।